जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। दुर्गा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है, महत्व क्या है और इसमें कन्या पूजन क्यों किया जाता है। नवरात्रि का त्योहार जल्दी आ रहा है और भारत में लोग इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। नवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा के विभिन्न अवतारों की पूजा करता है। लोग सख्त आहार का पालन करते हैं और लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन जिसे अष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी के रूप में जाना जाता है, दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना किया करते हैं। दुर्गा पूजा या दुर्गा अष्टमी अश्विनी के महीने के पहले दिन मनाई जाती है, जो हिंदू कैलेंडर में अक्टूबर के महीने में आती है। महाअष्टमी पर हिंदू देवी दुर्गा के जन्म की पूजा करते हैं। यह हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक है और इसे अक्सर आनंद का समय माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये अश्विन महीने में अष्टमी तिथि के उज्जवल चंद्र पखवाड़े को पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवी चामुंडा इस दिन माँ दुर्गा के माथे से प्रकट हुई थी और उन्होंने चंदा मुंडा और रक्त बीज का नाश किया था। दुर्गा पूजा अनुष्ठानों के दौरान 64 योनियों और अष्ट शक्ति या फिर मातृकाओं की पूजा की जाती है। अष्ट शक्ति जिसे 8 शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है, भारत के भिन्न हिस्सों में इसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है। अतः सभी देवी शक्ति के रूप में जानी जाने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को प्रकट करती हैं। यह शक्तियां एक ही शक्तिशाली देवी नारी है जो उनकी शक्ति के भिन्न पहलुओं को व्यक्त करती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान पूजी जाने वाली अष्ट शक्ति में ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नरसिंहिनी, इंद्राणी और चामुंडा है। इनका मूल क्या है? देवी दुर्गा की प्राचीन पूजा रामायण और महाभारत की कहानियों के साथ साथ वैदिक युग के सभी धार्मिक ग्रंथों में जारी है। वास्तव में कृतिवासी द्वारा 15वीं शताब्दी में लिखी गई रामायण में रावण के साथ युद्ध के लिए निकलने से पहले भगवान राम द्वारा 108 नीले कमल और 108 पवित्र दीपों का उपयोग करके देवी दुर्गा की पूजा की बात की गई है। दशहरा भगवान राम की रावण पर जीत के सम्मान में एक खुशी का उत्सव है। इस शुभ दिन को दशमी के नाम से भी जाना जाता है। कई संस्कृतियों में प्रसिद्ध राम लीलाएं हैं जिनका समापन रावण के पुतले को जलाने से होता है। यह परंपरा क्या है? दुर्गा अष्टमी से जुड़ी एक परंपरा उत्तर भारत में घर में कन्या का सम्मान करने के लिए उत्पन्न हुई है। उन्हें तैयार किया जाता है और एक विशेष भोजन दिया जाता है और उनके बालों को विशेष प्रकार से बांधा जाता है। अविवाहित लड़कियों के एक समूह को उनके सम्मान के लिए एक घर में आमंत्रित किया जाता है। यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि इन युवा लड़कियों में से प्रत्येक पृथ्वी पर दुर्गा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। लड़कियों के एक समूह का पैर धोकर स्वागत किया जाता है। किसी का स्वागत करने के लिए भारत में यह एक आम समारोह है। फिर उनका घर में स्वागत किया जाता है और अनुष्ठान आलती और पूजा के रूप में किया जाता है। अनुष्ठान के बाद लड़कियों को मिठाई और भोजन खिलाकर वहां से उपहार देकर सम्मानित किया जाता है और विदा किया जाता है। आखिर दुर्गा अष्टमी का इतना महत्व क्यों है? इस दिन कुछ भक्त कन्या पूजन करते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान 9 दुर्ग देवियों के रूप में 9 महिलाओं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन छोटी लड़कियों की पूजा करने से देवी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है।
अष्टमी चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से दुर्गा अष्टमी को इस अवधि का दूसरा अंतिम दिन माना जाता है। उस दिन माँ दुर्गा की महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी महागौरी का रूप धन और एक शानदार जीवन शैली लाता है। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नवरात्रि पर आपके घर में धन धान वैभव की वर्षा हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।